रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 18, साइंस फॉर क्लास 5, चैप्टर है बेटा 8, मैटर एंड मटेरियल्स। तो हमारा यूनिट तो कंप्लीट हो गया, अब हम रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं। पेज 75 पर आए, रिव्यू क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई पुटिंग द फॉलोइंग 4 वर्ड्स इन टू दैम। 4 वर्ड्स गिवन है, कौन कौन से? कंडन सिंग है, फ्रीजिंग है, इवेपोरेटिंग और मेल्टिंग। सेंटेंस कंप्लीट करना। वन क्या है? ए है, चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा, इवॉल्व्स। क्या है ये? मेल्टिंग है। बी क्या है? चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। लिक्विड को गैस में चेंज करना, ये है चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। गैस को लिक्विड में चेंज करने को कंडेंसिंग कहेंगे। चेंजिंग अ लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड को गैस में चेंज करना, इसको इवेपोरेटिंग कहेंगे। डी है, चेंजिंग अ लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, फ्रीजिंग है। ये हो गया क्वेश्चन। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं इनके बेटा आंसर यहाँ एंड पे हैं, मैंने लिए दिए हैं। अब अपनी बुक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 75। इन फिजिक्स व्हाट डज द टर्म पार्टिकल मीन। फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब क्या है? आंसर क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स। पार्टिकल बहुत छोटी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, दैट हेल्प टू मेक समथिंग लार्जर, और वो बड़ी चीज़ बनाने के काम आती है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़ी बनती हैं। नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट हीटिंग कैन इफेक्ट अ मैटर। कुछ डिफरेंट वेज बताने के हीटिंग जो है वो मैटर पर इफेक्ट करती है। एक्सप्लेन योर आंसर बाय एग्जाम्पल। मैं ये 2 मेथड आपको बता देता हूँ। हीटिंग इफेक्ट पहला क्या है? इफ़ वी हीट अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल गिवन, आइस ऑन हीटिंग चेंजेस लिक्विड वाटर। आइस को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, आइस सॉलिड है। दूसरे इसमें क्या है? इफ वी हीट लिक्विड, अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे, इट चेंजेस गैस में चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल गिवन क्या है? वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस वेपर्स और गैस। वाटर को हीट अप करें तो वो वेपराइजेशन हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। बस ये 2 बहुत हैं, 2 वेज। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू सॉलिड मेल्ट। सॉलिड कैसे मेल्ट करता है? इजी आंसर है, आपके बुक में गिवन है। सॉलिड्स हैव, ये सॉरी हैव है, हैव वेरी लो एनर्जी। सॉलिड के पास एनर्जी बहुत कम होती है, एंड इट्स एटम पैक क्लोजली, उनके एटम आपस में क्लोजली पैक होते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं। इफ़ वी गिव एनर्जी, जब हम इसको एनर्जी देंगे, इसका मतलब है हीट एनर्जी देंगे, हीट देंगे, इट्स एटम लूज हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे थोड़ा सा, एंड बिकम लिक्विड बाय मेल्टिंग, और मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लिक्विड कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर वही है 75। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज फ्रीजिंग ऑफ मैटर टेक प्लेस। मैटर कैसे जो है वो फ्रीज होते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना आंसर। आंसर क्या है? फ्रीजिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू सॉलिड। जब हम फ्रीज करते हैं तो वो लिक्विड जो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, बाय टेकिंग अवे एनर्जी, एनर्जी इसमें से निकालनी पड़ेगी, यानी कि ठंडा करना पड़ेगा, कूल डाउन। एग्जाम्पल गिवन क्या? वाटर चेंजेस इंटू आइस। वाटर को जब कूल डाउन करेंगे, इसमें हीट निकालेंगे, तो ये सॉलिड बन जाएगी आइस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? गिव एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में से एग्जाम्पल देनी है। कंडेंसेशन कब होता है? व्हेन अ गैस इज कूल्ड, गैस को जब ठंडा करते हैं, एंड इट बिकम अ लिक्विड, लिक्विड बन जाती है। एग्जाम्पल गिवन क्या है? व्हेन क्लाउड कूल, क्लाउड हमें पता है गैस है, जब वो ठंडे होते हैं, इट बिकम वाटर बन जाएगा एज रेन, तो रेन की शक्ल में नीचे आए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इवेपोरेटिंग डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेटिंग बॉइलिंग से कैसे डिफरेंट है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर। आंसर बेटा देखें, इवेपोरेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। ये पेज नंबर 74 पर आंसर है।
evaporating जो boiling से different है, as liquid start evaporating and temperature below then boiling point. तो liquid जो है वो evaporate होना शुरू कर देते हैं उसके boiling point से ही नीचे. boiling point जैसे water का 100 है, लेकिन water जो है वो हर temperature पर जो है वो evaporate हो रहा होता है. किसी भी टेम्परेचर पर अपने वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, और इसी इवेपोरेशन से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल गिवन क्या है, वाटर इवेपोरेट्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वो इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन एंड इट बॉयल किस पर करेगा, 100 सेल्सियस पर बॉयल करेगा, लेकिन इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर कंटिन्यू. इनका बेटा आपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं नोटबुक्स में और लर्न करने हैं, ठीक है. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और लेक्चर भी कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.